जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने मैथ में बहुत ऐसे क्वेश्चन को याद किए होंगे, बहुत ऐसे क्वेश्चन को समझकर बनाए होंगे, लेकिन आज ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके बोर्ड परीक्षा में आने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हर साल ये क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर के लिए। हर साल कोई भी एक ऐसा सन ना हो जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा हो, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझ लेना, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। 2 से 3 मिनट का वीडियो आपको 2 नंबर देकर जाएगा। इस साल ही नहीं बल्कि आपको हर मतलब की एग्जाम में हर जगह पर आपको यह क्वेश्चन काम देगा, अगर आपको बनाने का तरीका मालूम है तो। इस पर आधारित आप कई सारे प्रश्नों को भी बना सकते हो, बट अच्छे से आप लोग समझ लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है आपको सिद्ध करें अंडर रूट 1 + sin a / 1 - sin a इज इक्वल टू sec a + tan a। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने 6ठी 7वीं क्लास में परिमेयकरण करना आप लोग सीखे होंगे। परिमेयकरण करना, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आपको 1/√2 को परिमेयकरण करना है, तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर भी √2 से गुणा करते हो, नीचे भी √2 से गुणा करते हो, तो ऊपर √2 और नीचे आपका 2 मिल जाता है। ऐसे आप लोग मतलब कि बचपन में 6ठी 7वीं क्लास में आप लोग परिमेयकरण करे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं वही परिमेयकरण का आप लोगों का मैं नियम लगाने वाला हूँ और बहुत ही सरल से आपको LHS RHS मैं आपको सीध करके दिखाने वाला भी हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज पता होगा, ये आपका पहला जो है ना, ये आपका LHS का काम करेगा, करेगा कि नहीं, ये आपका LHS का काम करेगा और ये आपका RHS का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, आपका RHS का काम करेगा। तो सिंपल में हम LHS से RHS लाएंगे, हम चाहेंगे तो RHS से LHS भी ला सकते हैं, लेकिन हमारा काम है कि पहले LHS से RHS लाए। अगर LHS RHS नहीं आता तो फिर हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो किसी से भी किसी भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों का मकसद है पहला कि LHS से RHS लाना। तो सबसे पहले आपका LHS दिया कितना है, यहाँ पर देखिए तो LHS इक्वल टू कितना दिया, LHS इक्वल टू कितना दिया, तो हमारा LHS में दिया है 1 + sin a, 1 + sin a दिया है और अपन यानी कि बाटा में 1 - sin a दिया है, 1 - sin a दिया है। अच्छे से समझना, कहीं ना समझ में आए तो फिर मेरे से पूछना। ये आपका दिया है, तो ये आपका हो गया कि मेरे को LHS से RHS लाना है, तो LHS आपका पहला ये टर्म हो गया। अब हम लोग पहला हेडलाइन को बनाएंगे, यानी कि पहला टॉपिक, पहला हम लोग बनाएंगे पहला हेडलाइन को क्या बनाएंगे, 1 + sin a। पहला आपका क्या होगा, 1 + sin a बाटा में 1 - sin a। ठीक है, 1 - sin a, अगर इसको आप परिमेयकरण करते हो तो कैसे करोगे, ये आपका 1 माइनस है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 + sin a हो जाएगा, 1 + sin a और बाटा में 1 + sin a। फिर ये दोनों आपस में कट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका रूट का रूट वैसे ही रहेगा, रूट तो कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये देखो 1 + sin a 1 + sin a, ये तो गुणा होगा तो 1 + sin a का दी होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। और नीचे वाला देखो 1 - sin a और 1 + sin a, ये तो फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, a + b और यहाँ पर a - b इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, a² - b² होता है, तो a का मान 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर तो a होकर करेगा, ये तो आपका हो जाएगा। अब देखो कमाल, आगे का कमाल देखो, 1 + sin² ये आप लोग वैसे ही रहने दो, याद पारो कि मैं एक फार्मूला आप लोगों को बताऊंगा, 1 - sin² θ का क्या होता है, sin² a cos² a, यह कहाँ से आया, तो हमको पता है कि sin² a + cos² a इज इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर कॉस स्क्वायर का मान निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 1 - sin² a मिलेगा। तो क्या हम 1 - sin² की जगह पर कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करिए, अब देखिए नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर रूट आपका वैसे ही रहेगा, मैंने रूट छोड़ दिया, आप लोग लगा देना। ठीक है, तो रूट आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो मैं क्या एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ 1 + ये जो साइन ए है ना, इसको आप स्क्वायर से बाहर कर दीजिए, और नीचे वाला जो कॉस है ना, इसको भी स्क्वायर से हटा दीजिए, ये एक दो स्क्वायर के साथ ही आप एक ही स्क्वायर दे दीजिए पूरा पर, और ये पूरा रूट आप लोग रहने दीजिए। कोई डाउट है, नहीं ना है, क्योंकि अगर 1 + sin a का दी होल स्क्वायर है और नीचे भी कॉस स्क्वायर है, तो क्यों ना दोनों को बदले एक ही हम स्क्वायर दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप दोनों को मतलब कि करोगे, जैसे कि दो भाई है,
दोनों भाई के पास दो दो कट्ठा जमीन है, तो दोनों आपस में हो गए हैं तो उनका जमीन कितना हो गया, 4 कट्ठा हो गया। तो फिर वो अलग होंगे तो दो दो कट्ठा अपने अपने लेकर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप अलग अलग होते हैं तो यहाँ पर ये आपका 2 स्क्वायर लेकर निकल जाएगा और ये भी आपका 2 स्क्वायर लेकर निकल जाएगा। अब क्या बचेगा, ये देखिए, ये स्क्वायर से ये वाला रूट खत्म हो जाएगा, एकदम कट जाएगा, स्क्वायर से रूट वो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 + sin a बचेगा। क्या बचेगा, 1 + sin a बचेगा। नीचे आपका क्या बचेगा, cos a बचेगा। अब देखिए, अब इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ना आता है ना, इसको कैसे तोड़िएगा, इसको ऐसे तोड़ना है, 1 cos a कर दीजिए, ठीक है, और फिर प्लस में sin a अपॉन cos a कर दीजिए, इसको तोड़ दिए, फिर आप बाटा पर जोड़ बनाएंगे तो 1 + sin a अपॉन cos a मिल जाएगा। और आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, sec a होता है, क्या होता है, sec a होता है, और फिर प्लस इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, tan a होता है, क्या होता है, tan a होता है। और एक्चुअली में हमको RHS में यही लाना भी है, RHS में क्या लाना है, यही लाना है, तो हमारा प्रूव्ड हो गया, कोई भी बिना दिक्कत के और ना ही कुछ गलती के। तो देख लीजिए मैं कैसे बनाया हूँ, यहाँ पर आप लोगों को RHS में क्या लाना है, RHS में वही पद भी आपको लाना है, ठीक है। तो क्या मैं सॉल्व किया, आप लोगों को समझ में आया, अगर ऐसे में ना समझ में आया तो ऐसे इससे बढ़िया आपको और कोई नहीं समझा सकता है, समझाएगा तो ये फॉर्मूला नहीं लिखेगा, नहीं ये लिखेगा, नहीं ये बताएगा, नहीं रूट से स्क्वायर कैसे कट ये बताएगा, वो बताइए नहीं करेगा, डायरेक्ट बताएगा आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद करेंगे, ये याद करेंगे, लेकिन लिख कर नहीं बताएगा। तो सबसे पहले आप लोग नहीं समझ पाया तो कर कम से कम मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोग समझ जाओ, ठीक है। तो अभी भी किसको नहीं समझ में आया और किसको समझ में आया कमेंट करके हमको बताइए, तो जरा आप लोग